हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स बैक इन माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद में एक नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, टाइम मिल नहीं पा रहा था, तो मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें जो है कट करके रख ली है। हरा धनिया, ये अदरक को मैंने इस तरह से ग्रेट करके रखा है। लहसुन की 3 से 4 कलियाँ मैंने इस तरह से बारीक काट ली है। और ये एक हरी मिर्च जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको बारीक कट करके लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च जिसको भी हमने बारीक काट करके ले लिया है। और साथ ही में ये 2 बड़ी साइज़ के प्याज जिसको एकदम बारीक चॉप करके लिया है। और एक लिया है हमने नींबू। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम ये थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हमने ये जो अदरक और लहसुन लिया है इसको डाल देंगे। घी जो है वो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है, इसको टाइम नहीं लगता है। अब चाहे तो इसकी जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम अब इसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने बारीक चॉप की हुई ली थी। और साथ ही में डाल देंगे ये प्याज बारीक चॉप किया हुआ। सारी चीज़ें ध्यान रहे हमें ज़्यादा मोटी नहीं कट करनी है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं बना रही हूँ मुंबई स्टाइल जो मसाला पाव होता है वो हम बनाने वाले हैं। तो इसको हम इस तरह से कुक कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम में थोड़ी हाई कर देती हूँ इसकी ताकि टाइम इसमें ज़्यादा ना लगे। प्याज और हरी मिर्च भुनने के बाद में हम इसके अंदर ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ा बचा है वो भी इसके अंदर में डाल देती हूँ। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऑयली भी कुक कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप बटर या देसी घी यूज़ करते हैं तो फ्लेवर का स्ट्रिक स्टाइल आ जाएगा। इसे भी हम लोग थोड़ी देर कुक होने देंगे। शिमला मिर्च को बिल्कुल थोड़ा सा कुक कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये हमने टमाटर लिए थे बारीक चॉप किए हुए, इसके अंदर इसको डाल देंगे। और एक बार इसको हम चला लेंगे। ये पाव भाजी से थोड़ा अलग हो जाता है, बड़ा पाव तो नहीं है। मसाला पाव मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम उसी रेसिपी से एक बार इसको घर पे ही बना रहे हैं ताकि ये क्या थोड़ा जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। ये मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम इसके अंदर ये धनिया भी डाल देते हैं, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे मसालों को। अब इसी के साथ मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1 चम्मच जो है पाव भाजी मसाला डाल दूँगी, इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाएगा। इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे हम।
बच्चों के अभी क्या है, लाइट्स नहीं आ रही हैं और इसको मैं फ़ोन की ही लाइट से शूट कर रही हूँ, तो मैंने अभी स्टैंड यूज़ नहीं किया है तो शायद कैमरा काफ़ी हिल रहा होगा। तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये जो है पाव के अंदर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। पानी में इतना ही डाला इसमें कि ये अच्छे से कुक हो जाए, इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं वो। तो इसको हम एक बार ढक करके पका लेंगे। लाइट्स भी आ गई है, इसको मैं अब ढक करके कुक कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। दो तो तीन मिनट करने के बाद हम देख सकते हैं कि देखिए भाजी जो है वो हमारी कुक हो गई है। अच्छे से ये इसको हम इस तरह से चलाते हुए मैश करते रहेंगे। अभी हम इसके अंदर एक जो है नींबू डाल देंगे। अब चाहें तो इसमें अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू से क्या थोड़ा फ्रेश फ्लेवर आता है, तो मैं नींबू यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फाइनली हम इसके अंदर हरा धनिया डाल करके इसको एक बार और अच्छे से जो है मिला लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। तो जो हमारी स्टफिंग है इसकी वो हो गई है रेडी। अब हम पाव को सेकेंगे। पहले तवा चढ़ा के, मैंने तवा चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम जो है वो भी मैंने हाई कर दिया है ताकि फटाक से ये गर्म हो जाए। तो उसके पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने पाव को इस तरह से कट कर दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पाव को जो है कट कर दिया है। ये मैंने आप देख सकते हैं 6 पीस मैंने इसके लिए हैं पाव के, ठीक है। अब हम तवे को जो है फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। इस पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे और पाव को जो है इस तरह से सेक लेंगे दोनों साइड से। आप चाहें तो इसको पहले भी सेक करके रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आपका टाइम बचता है। लेकिन मैं कोई इतना ज़्यादा कुछ गेस्ट है नहीं मेरे यहाँ पे, तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है। इसको मैं साइड में कर देती हूँ। फिर से हम थोड़ा जो है बटर लेंगे और इस तरह से पाव को दूसरे साइड से टर्न कर देंगे। फिर से इसको इस तरह से सेकेंगे और इसको भी इधर, कोई कोई पाव इस तरह से टूट जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और मैं एक बार में सिर्फ दो ही जो है बना रही हूँ उसके लिए। अब मैंने इनको तो कर देंगे हम साइड में, ठीक है। और ये जो हमने भाजी बनाई थी इसको इस तरह से लेंगे और ये जो है इस तरह से पाव के अंदर इसको हमें सेक लेना है भाजी के साथ में, इससे इसका जो है टेस्ट अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें स्टफिंग पहले करके और फिर इसको वापस इस तरह से सेक सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो, नहीं तो इस तरह से देख सकते हैं इसमें स्टफिंग कम नहीं है। देखो अच्छे से ये फिल हो चुका है, तो हमें ज़रूरत नहीं है
उसको मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ एक पाव को, और थोड़ी सी भाजी इस पर हम और डाल देंगे ताकि ये जो हमने पाव दिया है इसको भी इस तरह से थोड़ा इधर और जो बाकी बचा है उसको भी हम इस तरह से पोंच लेंगे और इस पर रख देंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे थोड़ा इसका फ्लेवर इसमें दोनों साइड से आ जाए उसके लिए। ये अलग हो गया है तो ये बार बार अलग ही हो रहा है, तो अब हम इसको भी प्लेट के अंदर रख देंगे। तो हमारा गर्मा गर्म मसाला पाव जो है बन करके तैयार हो गया है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा कि आपको कैसी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज़।